नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नजर से में, जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। ये एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के द्वारा चलाया जाता है। मैं हूँ गरिमा और मेरे साथ मेरे दोस्त ऋषि आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड के भाग 2 के साथ वापस आ गए हैं। इस महामारी के दौरान खुद को पॉजिटिव कैसे रखे, क्या आपको पता है कि कभी कभी मैं घर में रहते रहते चिड़चिड़ा महसूस करता हूँ या फिर समाचार देखने के बाद दुखी महसूस करता हूँ। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कि दिमाग को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। इस पर अधिक जानने के लिए आइए हम अपने मुंबई के दोस्तों के साथ बात करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरा नाम अंतिमा दुबे है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, स्वस्थ एवं सुरक्षित रहें। तो दोस्तों, इस महामारी ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। हमें इससे डरना नहीं है बल्कि इसका सामना करना है। तो दोस्तों, इस महामारी में हम अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखें, जैसे कि आप अपने परिवार के साथ घर बैठे गेम खेल सकते हैं, परिवार के साथ टाइम बिता सकते हैं, घर बैठे बहुत सी ऐसी नई नई चीजें हैं जो सीख सकते हैं, जैसे कि सिलाई हुआ, खाना बनाना हुआ, जैसे मेहंदी लगाना हुआ, कैरम खेल सकते हैं। आप बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप अपने घर वालों के साथ बैठकर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस महामारी में हमें डरना नहीं है बल्कि इसका सामना करना है। आप ऐसी कुछ चीजें कीजिए जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपको पसंद हो। आप घर बैठे पढ़ भी सकते हैं, अगर आपका पढ़ने का मन है तो आप घर बैठ के पढ़ें, और आपको जो चीज अच्छी लगती है आप वो घर बैठकर कर सकते हैं। इससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा और आपको पॉजिटिव ख्याल आएंगे, ऐसा आपके मन में नेगेटिव ख्याल नहीं आएंगे। धन्यवाद। मैं सना खान हूँ, रह रोड मुंबई से। मैं हमारा फाउंडेशन के साथ तकरीबन 1 साल से जुड़ी हूँ। आजकल हमारा वक्त घर पे ही गुजर जाता है और बैठे बैठे सिर्फ बुरे बुरे ख्याल आते हैं। हम सबको रोज सुबह सुबह उठकर एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, जिससे हमें सकारात्मक विचार आए और शरीर में तंदुरुस्ती आए। घर के भी कामों में मशगूल रहना और नई नई खाने पीने की रेसिपी बनाना एक तरीका है हमारे वातावरण को पॉजिटिव रखने के लिए। फिर म्यूजिक भी एक तरीका है जिससे मन शांत रहता है। घर में पेड़ पौधे होते हैं तो जितना ज्यादा हम पौधे के साथ रहेंगे, उन्हें पानी डालेंगे, उतना ही हम खुद को बदलते हुए देखेंगे। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम अंशिका गुप्ता है और मैं इंदिरा नगर रे रोड मुंबई से हूँ। मैं हमारे फाउंडेशन से 1 साल से जुड़ी हूँ। 1 साल से ऊपर हुआ है और आज भी हम इस बीमारी से बाहर नहीं निकल पाए, और कितने ही लोगों ने बहुत कुछ खोया, किसी ने अपना चाहने वाला तो किसी ने अपना बिजनेस। मेरा मानना यह है कि इस वक्त में हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है, वो छोटी से छोटी चीजों से, जैसे हमारे नर्सेस डॉक्टर्स हो गए जो अपने परिवार को छोड़कर हमारी जान बचा रहे हैं। मुझे डांस करने में बड़ा आनंद आता है, तो मैं ये मानती हूँ कि हमें ऐसी चीजों में भागीदारी लेनी चाहिए जिससे हमें खुशी मिले। एक और चीज जो हम रोज की जिंदगी में भूल जाते हैं, हमें हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहना चाहिए। हंसते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम शिखा सैनी है। मैं हमारा फाउंडेशन से पिछले 10 सालों से जुड़ी हुई हूँ। आप सभी जानते हैं कि मार्च 2020 में इंडिया और बाकी के देश में, जैसे इटली, चाइना, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों में कोविड के दौरान जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे कई नियमों का पालन करके लोगों को सुरक्षित घर पर रहने की सलाह दी गई और बहुत ही आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलने का आदेश दिया गया। ऐसे में लोगों के मन में उठने वाले स्वाभाविक सवाल, किसी से कुछ लिया तो मुझे कोविड ना हो जाए, और कहीं बाहर गए गलती से किसी का धक्का लग गया तो कहीं उसे कोविड हुआ हो, ऐसे सोचते रहना, इसे नकारात्मक विचार कहा जाता है, जो ना चाहते हुए भी मनुष्य के दिमाग में हमेशा चलते रहता है। और इन नकारात्मक विचारों से आधे से ज्यादा लोग घर पर रहकर भी बीमार हो जाते हैं, क्योंकि वह हमेशा अपने दिमाग में सोचते रहते हैं कि मुझे कोविड ना हो जाए। इसका बहुत ही आसान सा तरीका है। सबसे पहले आपको अपने दिमाग से निकालना है कि मुझे कुछ नहीं होगा अगर मैं अपना ख्याल खुद रखूं तो। आप
आपको अपने साथ साथ आपके परिवार वालों का भी ख्याल रखना है। जैसे कि अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई बाहर से आता है तो हाथ धोना भूल जाए या सैनिटाइज करना भूल जाए, तो आप उन्हें प्यार से समझा कर और उनसे हाथ धोने की विनती कीजिए या फिर हाथ धुला कर दीजिए। आपको ही नहीं बल्कि हम सबको एक नया अवसर प्राप्त हुआ है कुछ नया कर दिखाने की। खुद को अहमियत दीजिए, खुद की अहमियत समझिए, डरिए नहीं, किसी भी मुसीबत का डटकर सामना कीजिए, क्योंकि दुनिया के लिए आप एक व्यक्ति हैं, लेकिन आपके परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हैं। आप अपना ख्याल रखें और ख्याल रखने के साथ साथ आप अपने आप को कभी टूटने ना दीजिए। खुद को इस काबिल बनाइए कि अगर आपको कुछ होता भी है तो आप अपने सकारात्मक विचारों के साथ और अपने परिवार के बारे में सोचकर उससे लड़ें और ठीक होकर अपने परिवार के साथ रहें, खुशहाल जिंदगी बिताएं, खुश रहें, आने वाला कल अपने आप खूबसूरत बन जाएगा। धन्यवाद। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको अपने आप ही सहारा मिल जाएगा। कश्ती कोई डूबती पहुंचा दो किनारे पे, तुमको अपने आप ही किनारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुम बेसहारा हो तो। हंसकर जिंदा रहना पड़ता है, अपना दुख खुद सहना पड़ता है, रास्ता चाहे कितना लंबा हो दरिया को तो बहना पड़ता है, अकेले तो रुक मत जाओ चल निकलो, रस्ते में कोई साथी तुम्हारा मिल जाएगा। तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो। इसके बारे में अधिक जानने के लिए हम बात करेंगे श्वेता दीदी। तो दीदी आपका स्वागत है कार्यक्रम बच्चों की नजर से में। नमस्ते साथियों, मेरा नाम श्वेता है और मैं गिनीज प्लैनेट से हूँ। आज की बातचीत हम इस बारे में करेंगे कि जो इस वक्त का माहौल है जिसमें कुछ लोग बीमार हैं, कई लोग परेशानी में हैं कोविड की वजह से, उसमें हम अपनी देखभाल कैसे करें। ये सब आप पहले से ही अनुभव कर चुके होंगे कि कैसे हम सबका रूटीन बदल सा गया है। जैसे पहले हमारा एक रूटीन होता था, हम स्कूल जाते थे, हम घर आते थे, हम शाम में खेलते थे, कुछ जन्मदिन मनाते थे, कुछ और मौके होते थे तो एक दूसरे के साथ खुशियां मनाते थे। अब वैसा नहीं है। इनफैक्ट अभी जो माहौल है उसमें आपको बार बार ये सुनने को मिलेगा कि कैसे हमें भीड़ भाड़ के इलाके में नहीं जाना है, कैसे हमें कम लोगों के साथ मिलना है। तो इस स्थिति में, इस सिचुएशन में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या करना चाहिए। बहुत सारी जानकारी पहले से ही आपके आसपास मिलती रहती है, छाई हुई है। तो कुछ चीजें हैं जो ऑलरेडी आपको पहले से ही पता होंगी, जैसे कि भीड़ वाले इलाके में ना जाएं। अगर आप में कोई लक्षण है जो कोविड पॉजिटिव वाले लगते हैं तो अपने आप को कमरे में कर लें अगर ऐसा मुमकिन है तो। बहुत सारी चीजों को लेके रिस्क ना लें, जहाँ पर जरूरी नहीं है जाना वहाँ पे कोशिश करें कि ना जाएं। तो ये कुछ चीजें हैं जो पहले से ही लोग एक दूसरे को बोल रहे हैं तो आपको पता ही है। इस मौके में अभी आपके स्कूल भी शायद बंद ही हैं और हमें पता नहीं कि कब तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं पर अब तो कई जगह पर स्कूल की छुट्टियां भी हो गई हैं। इसमें भी ध्यान रखना जरूरी है कि चाहे क्लास आपकी ऑनलाइन ही चल रही हो, वो एक रूटीन बनाने का जरिया है। तो अगर ऐसा रूटीन है तो कोशिश करें कि उसमें जुड़े रहें, ताकि कहीं ना कहीं आपका मन किसी न किसी काम में लगा रहे। एक सवाल है लोगों के मन में शायद कि अगर मान लीजिए मैं घर पे हूँ तो क्या मेरा मास्क
मास्क पहनना मुझे जरूरी है? तो इसका उत्तर बहुत सारी स्थितियों पर निर्भर करता है। मान लीजिए कि आप कुछ वहां से सामान आया है, दरवाजा खोलने गए हैं, तो मास्क पहनना मैं जरूर कहूंगी कि जरूरी है इस सिचुएशन में। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आपका मास्क पहनना जरूरी है, अगर आप बीमार हैं तो मास्क पहनना जरूरी है। तो जहां तक हो सके अपने लिए रिस्क और दूसरों के लिए रिस्क जितना हो सके कम करना जरूरी है। अगला सवाल ये आता है कि मेरे आसपास जो मेरे माँ बाप हैं और लोग हैं, वो काफी इस वक्त शायद स्ट्रेस में हैं और वो डरे हुए हैं। शायद उनका काम या तो छूट गया है, सबको चिंता है कि घर कैसे चलेगा, काम कैसे चलेगा, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? तो एक चीज जो शायद याद रखने वाली है वो ये कि बहुत सारी चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं। हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप के जीवन में नौकरी को लेके, उनके रिश्तेदारों को लेके क्या क्या होने वाला है, ये सब हमारे हाथ में नहीं है। हम कितना भी चाहें कि उनकी मदद करें इस सिचुएशन में, हम मदद कुछ ही तरीकों से कर सकते हैं अपने आसपास और लोगों की। जैसे कि हम कोशिश करें कि जितना हो सके घर में साथ बैठ के एक दूसरे की हेल्प करें, जितना हो सके घर के काम में हाथ बटाएं। अगर लोग अपनी परेशानियां आपके सामने रख रहे हैं और आप इस उम्र में हैं कि आप वो सब समझ पा रहे हैं, तो सिर्फ सुन लें। कई बार सुनने से भी मदद मिलती है, जरूरी नहीं है कि आपको हर जगह अपनी राय ही देनी है। पर हाँ, ये जरूर हो सकता है कि उनकी बातें सुन के आपकी चिंता भी बढ़ जाए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि हमारे घर में बड़े लोग चिंता में है तो हमें लगता है कि फिर हमारा क्या होगा या हम क्या करेंगे। कुछ कुछ चीजें हैं जो हम सब एक दूसरे के लिए कर सकते हैं अगर हम बातों को समझ पा रहे हैं। एक तो एक दूसरे की बात सुनना, एक दूसरे का साथ देना, ना सिर्फ घर के कामों में मदद करना बल्कि और भी चीजें जो हम साथ में मिलके कर सकते हैं, एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, हौसला बढ़ा सकते हैं, वो चीजें करना। कोशिश करें कि अगर अपने अपने मन में कोई परेशानी है तो उसके लिए भी किसी को बताना। ऐसा नहीं है कि आप जो भी परेशानी से जूझ रहे हैं उसके साथ अकेले ही जूझें। चाहे आपको लग रहा हो कि सब परेशान है, मैं अपनी परेशानी दूसरों को बता के क्या करूंगा क्या करूंगी, ऐसी स्थिति में भी जरूरी है कि आप अपनी परेशानी जरूर किसी को बताएं, अपने दोस्तों को बताएं, घर में बड़ों को बताएं, ताकि हम सब एक दूसरे का साथ दे सकें। सबकी परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती हैं, सबकी परेशानियां भी जरूरी नहीं है कि एक जैसी होती हैं, लेकिन देखें कि हम एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं, औरों की कैसे मदद कर सकते हैं। तो जैसे कि बहुत सारे लोग जब देखते हैं जानकारी जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स में और जगह पे, तो उनको बहुत सारे ऐसे मैसेजेस नजर आते होंगे कि किसी को ब्लड की जरूरत है, किसी को प्लाज्मा की, किसी को किसी दवाई की, किसी को हॉस्पिटल में बेड की, और हम अपने आप को कई बार हो सकता है बहुत असहाय भी पाएं कि शायद हम इस बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर मुमकिन है तो जिस जानकारी को आप पक्का जानते हैं कि सही है वही आप लोगों तक पहुंचाएं। अगर आपको लगता है कि आपको जानकारी नहीं है तो वो रहने भी दे सकते हैं। किसी के घर में कोई बीमार है तो खाना बनाकर उन तक पहुंचाना भी, उससे भी मदद होती है। उनके छोटे मोटे काम मार्केट से कर देना, वो उसमें भी उनकी मदद होती है। आपको ये ध्यान रखना है कि बाहर बहुत जरूरी है तभी जाएं, कॉन्टैक्ट लोगों से कम रखें, मास्क पहन के घूमें। तो अपने लिए सुरक्षा के जितनी भी चीजें हैं वो पूरी तरह से करें, हाथ धोएं अगर आप बाहर से आए हैं, शायद कपड़े भी बदलने की जरूरत पड़े, तो ये सब चीजों को ध्यान रखते हुए ही औरों की मदद करें। औरों की मदद करने में कोई मनाही नहीं है इसमें, लेकिन कोशिश ये करनी होती है कि अपना जो आपकी चिंता है उसको सबसे पहले अपनाएं कि भाई इस सिचुएशन में, इस स्थिति में स्ट्रेस तो होगा ही, चिंता तो होगी ही। ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसमें कि चिंता बिल्कुल नहीं होगी। तो अगर चिंता हो रही है तो इसमें कोई गलत नहीं हो रहा है आपके साथ, लेकिन ये भी अपने आप को कहना है कि अगर मैं बहुत ज्यादा वक्त चिंता में बिताऊंगा तो मैं औरों की मदद कैसे करूंगा, या मैं अपनी मदद कैसे करूंगा, या मैं लोगों का साथ कैसे दूंगा। तो हर चीज के लिए देखना पड़ता है कि मैं कितना टाइम उसको दे रहा हूँ। अपने विचारों पर ध्यान दीजिए, देखिए कि कहीं आप ऐसा तो नहीं कि जो सबसे बुरा हो सकता है सिर्फ वही सोच रहे हैं। माना कि हम सब रिस्क में है, माना कि कोई भी बीमार हो सकता है, पर उसमें ये सोचना कि ये सब सबके साथ मेरे आसपास होने वाला है इस पे ना जाएं। ये सबके लिए मुश्किल समय हो सकता है। अगर आपके साथियों में, आपके दोस्तों में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने घर के किसी एक परिवार के सदस्य को खोया है, तो उनके साथ जरूर कनेक्टेड रहें, उनके साथ बातचीत करें, उनको वक्त दें और उनसे समझते रहें, पूछते रहें कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं। और ये जो परिस्थिति है, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। तो उम्मीद के साथ रहें, उम्मीद के साथ नहीं छोड़ें, और अपने आसपास वालों को भी हौसला और उम्मीद दें जितना हो सके, पर झूठा विश्वास नहीं। जैसे कि मैंने आपको एक बार भी आज नहीं कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको ये झूठी तसल्ली नहीं दे सकती। मैं ये जानती हूँ कि समय मुश्किल है और हम सब साथ में मिलकर इसका सामना कर सकते हैं। याद रखिए, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है, जो है वो हम करते रहें। मैं अपनी बात यहीं पे खत्म करूंगी। धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाय बाय। मैं श्वेता, गिनीज प्लैनेट से।
बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया, इतनी सारी जानकारी दी। तो दोस्तों, इसी के साथ अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह इसी दिन इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी एफएम रेनबो 102.6 पर। तब तक के लिए मेरा यानी कि गरिमा और मेरे मित्र ऋषि का अलविदा।